काढ़ा बन रहा है, देखते हैं कितना बचा है पानी। खांसी आ गई है अंदिशा, इसका दिमाग बाहर है। बन गया भुई नीम और गिलोय का काढ़ा, भुई नीम और गिलोय का काढ़ा बन गया है, तो इसको थोड़ी देर तक ठंडा होने देते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार। श्याम जी ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जिंदगी में मस्त होंगे। दोस्तों हमारा दो दिन से वीडियो नहीं आ रहा है, इसका कारण हमारा तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सर्दी खांसी है, सर्दी खांसी और सिर दर्द होता है, वीडियो बनाने का इच्छा नहीं होता है, मन नहीं होता है, इसलिए हम लोगों का दो दिन से वीडियो नहीं आ रहा है। तो आज हम लोगों को कुछ ठीक लग रहा है, तो हम लोग देहाती लोग हैं दोस्तों, पहले अपना घरेलू उपचार करते हैं, तो दो दिन से हम लोग काढ़ा बनाकर पी रहे हैं, तो आज कुछ अच्छा लग रहा है। और भगवती का भी वही हाल है, खांसी और सर्दी और सिर में दर्द, तो हम लोगों को आज कुछ अच्छा लग रहा है। तो अभी सुबह सुबह हम लोग फिर काढ़ा बना रहे हैं, ये देखिए भुई नीम और गिलोय, भुई नीम और गिलोय का काढ़ा बना रहे हैं और मिट्टी के ये हंडी में बना रहे हैं। तो हम लोग काढ़ा बनाकर पी रहे हैं, तो कुछ हम लोगों को अच्छा लग रहा है, और यदि अच्छा नहीं लगेगा तो फिर हम लोग तो डॉक्टर के पास जाएंगे ही, लेकिन ऐसी उपाय हम लोग कई बार कर चुके हैं तो हम लोग ठीक हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है, स्वस्थ हो जाते हैं। और दिशा को भी है दोस्तों सर्दी खांसी और चप्पल को लेकर आ गई, पहनाने के लिए बोल रही है। ये देखिए दिशा का भी तबीयत तो ऐसी है, इसको भी सर्दी है और खांसी आ रहा है, तो पहले से कुछ हम लोग अच्छे गए हैं। जा मम्मी के पास जाता है, नाक बह रही है, इसको भी सर्दी हो गई है, तो ये इसको भी काढ़ा पिला रहे हैं, हम लोग भी पी रहे हैं। तो मतलब दो दिन से तो बहुत ही ज्यादा सिर में दर्द और सर्दी खांसी, तो अभी तो हम लोग बहुत ही आराम है, तो आज हम लोग फिर देखिए सुबह सुबह अभी काढ़ा बनाएंगे, गिलोय और भुई नीम का काढ़ा बनाएंगे और फिर हम लोग पियेंगे। ये छोटी छोटी है बेटा, नहीं होगी बेटा, जाओ दादी के पास, जा दादी के पास, जाओ उस रूम में जा दादी के पास, नहीं होगी, देख नहीं होगी, ये छोटी है, जा बेटा है ना, जा है ना, उसको बोलना है, ठीक है। लोग काढ़ा बना रहे हैं और ये है गिलोय गुरुदनार, इसको हम लोग ग्रामीण भाषा में गुरुदनार बोलते हैं, तो इसको ले आए हैं, और इसका हिंदी नाम है गिलोय। तो गिलोय और भुई नीम, भुई नीम तो अभी ताज़ा नहीं मिल रहा है, तो हम लोग पहले से लाकर इसको सुखा कर रख देते हैं, जब भी ऐसी समस्या होता है ना तो हम लोग उसको काढ़ा बनाते हैं। ये देखिए इसको छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े करके सुखा कर रख दिए हैं, अब इसी दोनों का हम लोग बनाएंगे काढ़ा। तो देखिए गिलोय को अभी छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े काट रही है, और मिट्टी के घड़े में बनाने से अच्छा होता है, अन्य बर्तन जैसे एल्युमिनियम के बर्तन वगैरह में बनाने से इसका औषधीय गुण नष्ट हो जाता है, फिर वो फायदा नहीं करता है, इसलिए हम लोग मिट्टी के घड़े में मिट्टी के हंडी में बना रहे हैं काढ़ा, और बनाकर हम लोग लगातार दो दिन से तीन बार हम लोग सेवन कर रहे हैं, तो हम लोग आज अच्छे हैं, और हम लोग एक दो दिन तक और इसको पियेंगे ना, तो और बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। देखिए एक गिलास पानी डाल दिए और डाल रहे हैं, जितना पीना है उतना हम लोग बना रहे हैं। देखिए डेढ़ गिलास हम लोग पानी डाल दिए, और ये देखिए गिलोय को छोटे छोटे काट लिए हैं, अब इसको भी इसमें डाल दिए, और ये भुई नीम, इसको हम लोग भुई नीम बोलते हैं और चिराड भी बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से इसको जाने जाते हैं, हमारे तरफ तो इसको भुई नीम के नाम से जाने जाते हैं। तो अभी ताज़ा नहीं मिल रहा है क्योंकि जंगल में सूख जाता है, तो उसको हम लोग पहले से ला कर सूखा कर रख दिए हैं। देखिए अब उसको भी डालेंगे इसमें, तो चलिए भुई नीम को भी इस हंडी में डाल देते हैं, और हमारा घर बनाने का काम भी अभी चल रहा है, घर का काम आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए पहले हम लोग काढ़ा, और सुबह से हम लोग कुछ नहीं खाए हैं, अब इसको पीने के बाद एक दो घंटे तक भी हम लोग कुछ भी नहीं खाएंगे। भुई नीम को भी हंडी में डाल दिए, उसको धोकर, और गिलोय को भी धोकर डाल दिए, अब इसको चूल्हा में चढ़ाएंगे। कल तो ना एकदम सिर में बहुत ज़्यादा दर्द, नाक बह रहा था, और आज देखिए आज कुछ बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि हम लोग इसी का काढ़ा पिए हैं, भुई नीम और गिलोय का, और हम लोगों को जब भी ऐसे ही होता है ना तो हम लोग काढ़ा पीते हैं। क्या होता है ना, वात पित्त कफ, ये तीनों चीज़ बैलेंस में नहीं रहता है, बिगड़ जाता है, तभी ऐसा संकेत आता है, और बुखार नहीं आया है, बुखार हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ सर्दी खांसी और सिर में दर्द, और इसके बाद अगर हम लोग ये उपाय नहीं करते ना तो हम लोगों को बुखार ही आता, क्योंकि वात पित्त कफ बिगड़ जाता है तो इसीलिए बुखार आता है। तो ये जो है ना बैलेंस में कर देता है, वात पित्त और कफ तीनों बैलेंस हो जाता है ना, बिल्कुल भी बुखार वगैरह तबीयत खराब बिल्कुल भी नहीं होता है।
तो देखिए हम लोग अपना घरेलू उपाय पहले करते हैं और ठीक नहीं होता है तो फिर डॉक्टर के पास तो जाते ही हैं। तो चलिए अब इसको चूल्हा में चढ़ा देते हैं। चूल्हा बड़ा है तो उसमें खपरा को डाल रहे हैं, ये छोटी है इसलिए ये देखिए ढक्कन को ढक को जला देते हैं तो पकने देंगे। और काढ़ा ऐसे बनाना, ऐसे नहीं कि थोड़ी देर तक उसको उबाले और फिर वो काढ़ा बन गया तो ऐसे में वो फायदा नहीं करता है। मतलब एक चौथाई भाग उसका बचना चाहिए, मतलब तीन हिस्सा खत्म होना चाहिए, एक हिस्सा बचना चाहिए तभी वो काढ़ा बनता है और फायदा करता है। दिशा देखिए, दिशा का भी तबीयत, मतलब इसको भी सर्दी खांसी आ गई है। दिशा इसका भी नाक बह रही है, नाक बह रही है भैया, है ना, नाक बह रही है ना बेटा, काढ़ा पियेंगे है ना फिर ठीक हो जाएगी, है ठीक है बेटा। हाँ काढ़ा पिएगी, हाँ दवाई पिएगी दिशा फिर ठीक हो जाएगी, है ना दिशा, ठीक है। तो काढ़ा बना रहे हैं बेटा, है चलो खड़े हो जा, खड़े हो जा। तो काढ़ा बन रहा है तो आप लोगों को मैं घर को दिखाता हूँ दोस्तों। घर बनाने का काम भी चल रहा है तो घर कितना बना है आप लोगों को बता रहा हूँ, इधर आप लोगों को बता रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, इतना भी घर का दीवार उठा है और इधर आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए इतना भी घर का काम हुआ है, इधर का दीवार को बता रहा हूँ। ये देखिए अभी लगभग 3 फीट के आसपास अभी उठा है दीवार पूरे चारों तरफ। ये देखिए 3 फीट के आसपास अभी दीवार उठा है और एक आलम में अभी मसाला भरना बाकी है, मसाला डालना बाकी है। ये देखिए तो आज तो इधर पीछे तरफ काम करेंगे, ये पीछे वाला दीवार है इसको जोड़ेंगे। ये देखिए आप लोगों को इधर भी दिखा रहा हूँ, ये देखिए कालम में भी मसाला नहीं डाले हैं। अंदर रूम को आप लोगों को दिखा रहा हूँ, चलिए अंदर रूम में चलते हैं, आप लोगों को दिखा रहा हूँ अंदर कितना उठा है। पूरे चारों तरफ को इतना ही 3-3 फीट हम लोग उठा लिए हैं। ये देखिए 3-3 फीट का दीवार बन गया है और चौखट भी लगा दिए हैं, खिड़की लगाना बाकी है। ये देखिए चौखट भी लग गया है और इधर अंदर को दिखा रहा हूँ। ये देखिए इधर अंदर भी 3 फीट उठ गया है, अब इसके ऊपर में खिड़की लगेगा। ये वाला बीच वाला दीवार भी, ये देखिए बीच वाला दीवार भी उठ गया है। ये देखिए बस इतना ही, तो आज इधर हम लोग काम करेंगे। ये वाला दीवार है इसको उठाएंगे तो चाहली को तो बांध दिए हैं, ये देखिए चाहली बांध दिए हैं तो इस वाले दीवार को हम लोग उठाएंगे और उसके बाद फिर वो वाला दीवार को उठाएंगे और इसमें खिड़की लगाएंगे। तो आज तो यहीं पर हम लोग काम करेंगे, ये वाला दीवार को उठाएंगे। तो चलिए काढ़ा भी बन रहा है, तो काढ़ा बनने के बाद हम लोग काढ़ा पियेंगे और उसके बाद 1-2 घंटा तक कुछ नहीं खाएंगे, उसके बाद फिर खाना खाकर हम लोग फिर आज इधर काम करेंगे। तो अभी काढ़ा बन रहा है, तब तक इसको तरई कर देते हैं और उसके बाद फिर काढ़ा बन जाएगा तो हम लोग काढ़ा पियेंगे। भगवती अभी काढ़ा बना रही है, तब तक मैं ईंटा को अच्छे से भिगो देता हूँ और ईंटा को भिगोने के बाद फिर दीवार को तरई करेंगे और दीवार को तरई करने के बाद फिर हम लोग काढ़ा पियेंगे और फिर हम लोग काम शुरू करेंगे। तो काढ़ा बन गया है, अब इसको उतारेंगे। ये देखिए अच्छा से पक गया है तो अभी ढक्कन को निकाल रहे हैं। ये देखिए इतना पानी बचा है, मतलब काढ़ा एकदम अच्छा बना है। तो अब इसको उतार रहे हैं और उतार कर यहाँ पर रख दिए। अब इसको किसी दूसरे बर्तन में इसको रखेंगे और इसे ठंडा होने देंगे, थोड़ी देर तक इसको ठंडा होने देंगे और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो फिर हम लोग इसको पियेंगे, एक एक कटोरी पियेंगे। ये बन गया भुई नीम और गिलोय का काढ़ा, इसको थोड़ी देर तक ठंडा होने देते हैं और फिर हम लोग इसको पियेंगे। नीम और गिलोय का काढ़ा बन गया है तो इसको थोड़ी देर तक ठंडा होने देते हैं, जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम लोग इसको एक एक कटोरी पियेंगे। तो अभी इसको ठंडा होने देते हैं और इसको हम लोग 2 दिन से लगातार पी रहे हैं तो बहुत ही अच्छा आराम महसूस हो रहा है, आराम लग रहा है। और जब भी हम लोगों को सर्दी, सिर में दर्द, खांसी ऐसी समस्या होता है तो हम लोग भुई नीम और गिलोय का काढ़ा बनाकर पीते हैं और आराम हो जाते हैं, बुखार वगैरह आने का जो संकेत होता है वो खत्म हो जाता है और हम लोग स्वस्थ हो जाते हैं। तो अभी देखिए ये काढ़ा को अभी ठंडा कर रहे हैं, तो चलिए इसको ठंडा होने देते हैं फिर हम लोग इसको पियेंगे। दोस्तों काढ़ा को हम लोग कटोरी में रख लिए हैं, ये देखिए एक एक कटोरी रख ली है, अब इसको हम लोग पियेंगे। तो चलिए पीते हैं, ये देखिए भुई नीम और गिलोय का काढ़ा है। बहुत ही कड़ू है, कड़वाहट है। दोस्तों हम लोग भुई नीम गिलोय का काढ़ा पी लिए, अब हम लोग 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाएंगे। तो अब हम लोग जाएंगे काम करने के लिए, मसाला बनाएंगे और दीवार उठाएंगे, ईंटा जुड़ाई करेंगे।
तो आज की इस ब्लॉग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय बाय।